लाइफ। नहीं, मैं इसमें किसी को दोषी नहीं मान रही। समय के साथ साथ हर इंसान बदल जाता है, और जिस तरह हमने अपनी गृहस्थी निभाई उसी तरह हमारे बच्चे भी निभाए, ऐसी उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते ना। और जहां तक पैसों का सवाल है, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा। सुभाषा, इतने सारे पैसे? अर्चु का एक हार तोड़वा दिया मैंने। क्या? सूत्र और कंगन तो वहीनी की है ना? हाँ, ये गहने यहाँ कैसे? जिस बात का डर था इसलिए छुपा के रखा था, वही बात इसकी वजह से। सविता, बात क्या है, खुलकर बताओ। भाऊ, वो क्या हो गया? हम विसर्जन करने गए थे ना, तो घाट पे ये लोग मिले, तो अर्चना ने बड़ी अकड़ के साथ ये मंगलसूत्र निकाल कर अपनी आई के हाथ में दिया और बोली उनको उनके वापस दे दो गहने। उन्होंने हमारे गहने लौटा दिए, तो ये भी हम लौटा देंगे। तो उसकी आई ने मुझे ये दे दिए। मुझे मालूम था कि ये सब सुनने के बाद मेरे मानव की बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैंने ये सब छुपा के रखा था। आई, 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 क्या हुआ आई? आप ठीक तो हैं? आई, आइए आप। आई, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सुलोचना, विनोद, विनोद, अरे देखो इसे क्या हो गया। सुलोचना, ये क्या हो गया? तुम आई बैठो, पहले आराम से बैठो इधर। ये सब कैसे है, क्या कैसे हुई? जी वो दुकान की सीढ़ियां उतरते वक्त इनका पैर फिसल गया, शायद थोड़ी सी चोट भी आई है। किन बेटा तुम? अब जब यहां पर आई गया हूं तो मुझे कुछ और भी कहना है। अर्चना, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। जो आंखों ने देखा मैंने उस पर यकीन किया, और तुम्हारे चरित्र पर शक किया। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि मानव ने जानबूझकर ये सब किया है, तो शायद आज भी मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। अच्छा, मैं चलता हूं, नमस्ते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो सकता है। दादा, दादा एक बात बताओ, आप दोनों की जोड़ी भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है दादा, सच्ची बहुत अच्छी बनाई है। आप दोनों की जोड़ी भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है दादा, सच्ची बहुत अच्छी बनाई है।